बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। रिसेंटली लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो बैलेटिंग हुई है, जिसमें एग्जेक्टिव ब्लॉक और ओवरसीज़ ब्लॉक शामिल थे, उसका आज मैं आपको तरीका बताने जा रहा हूँ कि आप अपना बैलेटिंग रिज़ल्ट कैसे मालूम कर सकते हैं और प्लॉट को कैसे सर्च आउट कर सकते हैं। सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि तमाम नाज़रीन जितने भी हैं, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें ताकि मेरी वीडियोज़ आपको गाहे बगाहे मिलती रहें। लाहौर स्मार्ट सिटी के अंदर जो बैलेटिंग हुई है, ये दो ब्लॉक्स इसमें शामिल हैं, ओवरसीज़ ब्लॉक वन की और एग्जेक्टिव ब्लॉक वन की बैलेटिंग हुई है, जिसके अंदर मुतहद सेक्टर यानी कि ए बी सी, इस तरह डिफरेंट किस्म के ए बी सी डी में लोगों को प्लॉट मिले हैं। दोनों ब्लॉक्स में ए बी सी और ए बी सी डी ब्लॉक्स हैं, जिसका नक्शा आपकी स्क्रीन पर भी शो हो रहा होगा, या अगर आप तफसील में उसका नक्शा देखना चाहते हैं तो वो मेरी पुरानी वीडियोज़ में आप कर सकते हैं, उसका नक्शा जाके देख सकते हैं, या आप हमारी टीम से रब्ता करके नक्शा हासिल भी कर सकते हैं। इसके अंदर 5 मरला, 10 मरला, 1 कनाल और 7 मरला के रहायशी प्लॉट को प्लॉट नंबर अलाट हुए। बैलेटिंग रिज़ल्ट यानी कि प्लॉट नंबर मालूम करने के इसमें दो तरीके हैं। एक है कि आपकी जो एप्लीकेशन है मोबाइल में लाहौर स्मार्ट सिटी की, या आपका जो पोर्टल है उसके ऊपर भी आपको रिज़ल्ट शो हो रहा होगा। लेकिन अगर आपको पोर्टल भी शो नहीं हो रहा तो सिंपल डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद है, आप लिंक के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विंडो खुलेगी जिसके ऊपर लिखा होगा सर्च बैलेटिंग रिज़ल्ट। पहला जो खाना है वो कि आपकी स्क्रीन पर शो भी हो रहा होगा, इसके अंदर आपने अपना शिनाख्ती कार्ड नंबर या नाइक आप जो कि ओवरसीज़ लोगों का शिनाख्ती कार्ड होता है उसका नंबर बगैर डैशेस के डालना है। फिर जो दूसरा कालम है उसमें आपका एमएस नंबर, मेंबरशिप नंबर आपने डालना है, जो कि आपकी फ़ाइल के ऊपर टॉप लेफ्ट के ऊपर सबसे ऊपर लिखा होता है। उसके अंदर इस तरह लिखा होगा LSE-10M-8182 जो भी नंबर होगा, वो 4 हिस्सों का नंबर होगा, वो 4 हिस्सों का नंबर आप इसमें डाल देंगे। जब आप डाल देंगे तो आप सर्च का बटन दबा देंगे तो आपका प्लॉट की मुकम्मल डिटेल स्क्रीन के ऊपर शो हो जाएगी, जिसके अंदर आपका प्लॉट नंबर, सेक्टर कौन सा है, गली नंबर कौन सी है और ब्लॉक कौन सा है, और ये जर्नल है, कॉर्नर है, पार्क फेस है या मेन रोड है, ये तमाम आपके सामने आ जाएगा। इसमें बहुत सारे कस्टमर जिन्होंने बर वक्त पेमेंट्स की और फिर सोसाइटी की पॉलिसीज़ पे पूरा उतरे, यानी जिन्होंने 50% और 100% डाउन पेमेंट के ऊपर प्लॉट लिए थे, उनको अपनी मर्ज़ी से प्लॉट लेने का सेल्फ सिलेक्शन का मौका भी दिया गया, और उसमें उन्होंने बैलेटिंग से पहले अच्छे अच्छे प्लॉट भी सिलेक्ट किए। उसके अंदर मैं इस आखिर के अंदर अपने तमाम इन्वेस्टर्स का, कस्टमर का मशहूर हूँ जिन्होंने हमारे ऊपर ट्रस्ट किया, और उनको मज़े के प्लॉट नंबर भी हमने दिलवाए, क्योंकि वो टाइम से इंस्टॉलमेंट्स दे रहे थे और सोसाइटी ने उनको अलाउ किया, तो फिर हमारी टीम ने जाकर एक एक उनको इंस्टॉलमेंट्स चेक करके सारी फाइल उनकी बना के प्रॉपर उनका प्लॉट नंबर हासिल करके उनको स्क्रीनशॉट्स और नक्शे वगैरह में करके तो पूरा उनको सपोर्ट भी किया। तो इस तरह आप जब भी इंशाल्लाह प्रॉपर्टी नंबर के साथ इन्वेस्ट करेंगे, आफ्टर सेल सर्विसेज में आपको बहुत सारी सहूलियात मिलेंगी। तो ये था बैलेटिंग रिजल्ट चेक करने का तरीका कार। मज़ीद अगर आपके पास प्लॉट है और आप पाकिस्तान के अंदर हैं और उसे बेचना चाहते हैं तो मेरी टीम आपको सपोर्ट करेगी, और आप उसमें मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं, दिए हुए नंबर्स पर अपनी तफसीलात फराहम करें प्लॉट की। और अगर आप प्लॉट ख़रीदना चाहते हैं तो आप कहीं पर भी दुनिया के अंदर बैठे हुए ऑनलाइन प्रॉपर्टी नामा से इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। प्रॉपर्टी नामा के ऑफिशियल अकाउंट्स के ज़रिए, ऑफिशियल मेम्बर्स के ज़रिए आप सेफ़ इन्वेस्टमेंट्स करके पाकिस्तान के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट सेफ प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। अल्लाह पाक आप सबका हामी व नासिर हो। चैनल सब्सक्राइब करना, फेसबुक को फॉलो करना और तमाम प्लेटफॉर्म्स पे लाइक और शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू एंड स्टे ब्लेस्ड।